वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों आज सीबीएसई ने टर्म वाइज सिलेबस को दोस्तों जारी कर दिया। दोस्तों सीबीएसई ने बोला था कि जुलाई के अंत तक हम टर्म वाइज सिलेबस को जारी कर देंगे। दोस्तों सीबीएसई पहले ही बता चुकी है कि हम बोर्ड पैटर्न्स एग्जाम्स कैसे लेंगे 2021-22 का दोस्तों, और सीबीएसई बोली थी कि हम जुलाई के अंत तक सिलेबस भी अपलोड कर देंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों सीबीएसई आज टर्म वाइज सिलेबस को अपने सर्कुलर में डाल दिया है। दोस्तों जानते हैं कि टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, साइंस हो गए, मैथ हो गए, सोशल साइंस हो गए, इंग्लिश में, ये सब के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पहला मेरा जो मेन टॉपिक है साइंस में जान लेते हैं। दोस्तों साइंस में दोस्तों तीन पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो दोस्तों जानते हैं कि केमिस्ट्री से टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, फिजिक्स में कौन कौन से आ रहे हैं और बायोलॉजी में कौन कौन से आ रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो पहले केमिस्ट्री को देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। दोस्तों सीबीएसई ने बोला है कि टर्म फर्स्ट में केमिस्ट्री से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पूछेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को दोस्तों, और चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स दोस्तों सीबीएसई ने केमिस्ट्री से तीन चैप्टर्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछेंगे। पहला चैप्टर्स होगा जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, सेकंड चैप्टर्स होंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और थर्ड चैप्टर होंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन सभी में से टर्म फर्स्ट में आएंगे दोस्तों, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, वो एग्जाम्स में आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों फिजिक्स में बोला गया है कि फिजिक्स में आपसे पूछा जाएगा लाइट्स में रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन, और चैप्टर टू पूछा जाएगा ह्यूमेनाई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स। दोस्तों फिजिक्स तो ऐसे ही मेरा सेक्शन नहीं है, लेकिन हम बता दिए जो सीबीएसई जारी किया है। दोस्तों बायोलॉजी में सिर्फ टर्म फर्स्ट में एक चैप्टर आ रहा है, वो भी लाइफ प्रोसेस आ रहे हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरे पढ़ चुके हैं, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स मेरा अभी चल रहा है दोस्तों, वो भी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे आ जाएंगे। दोस्तों जान लीजिए कि टर्म फर्स्ट में आपसे कौन कौन से साइंस में कितने चैप्टर पूछे जाएंगे। तो साइंस में दोस्तों 3, 2, 5, 1, 6 मींस आपको टर्म फर्स्ट में साइंस से 6 मींस 6 चैप्टर पूछे जाएंगे। कौन कौन से? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है, और फिजिक्स का लाइट्स में आ जाइए, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन, और ह्यूमेनाई एंड वर्ल्ड कलरफुल वर्ल्ड्स, और बायोलॉजी से लाइफ प्रोसेस है। दोस्तों कुछ चैप्टर इसमें जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उनमें से कुछ टॉपिक को भी रिड्यूस किया गया था। जो टॉपिक्स रिड्यूस 20-21 में किया गया था, वही टॉपिक रिड्यूस किया गया दोस्तों 21-22 में। दोस्तों वो नहीं बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों वो सीबीएसई बहुत ही लंबा चौड़ा एक सर्कुलर डाली है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों जान लीजिए कि सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे साइंस से। दोस्तों सर्कुलर खोल रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों सीबीएसई ने टर्म सेकंड के लिए जो चैप्टर रखा है वो केमिस्ट्री में रखा है कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मींस फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर रखा है, और फिजिक्स में रखा है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स जो कि फिजिक्स का पार्ट है, और बायोलॉजी में रखा गया है दोस्तों हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशंस आवर एनवायरमेंट्स। ये दोस्तों टर्म सेकंड का सिलेबस है। सीबीएसई आज ही दोनों टर्म वाइज सिलेबस जारी कर दिया दोस्तों, लेकिन अभी हमें टर्म फर्स्ट से मतलब है। तो टर्म फर्स्ट में दोस्तों इतना कुछ पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि मैथ में टर्म फर्स्ट से किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे। ऐसे तो दोस्तों ये मेरा सेक्शन नहीं है, लेकिन दोस्तों आप सभी को नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं कि टर्म फर्स्ट में मैथ से 7 चैप्टर पूछे जाएंगे। दोस्तों आप चैप्टर देखकर मत डरिए, क्योंकि दोस्तों चैप्टर जो है वो तो 7 है, लेकिन इनमें से भी कुछ टॉपिक रिमूवेड है जो कि आपको पढ़ना नहीं है उस टॉपिक को। दोस्तों यदि आपको वो समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो एक बना दूंगा प्रॉपर्स की, रियल नंबर्स में कौन कौन से टॉपिक से पढ़ना है। ऐसे दोस्तों आप सभी को समझ में आ जाएगा यदि आप सीबीएसई का सर्कुलर पढ़िएगा तो। दोस्तों ऐसे जान लीजिए, लेकिन पढ़ना है 7 चैप्टर। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन चैप्टर से मैथ में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है दोस्तों रियल नंबर्स, सेकंड पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, थर्ड पढ़ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी यहाँ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फोर्थ चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है ट्रायंगल, सिक्स चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, और सेवन चैप्टर पढ़ना है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एट चैप्टर पढ़ना है दोस्तों प्रोबेबिलिटीज। दोस्तों ये आप सभी को 8 चैप्टर पढ़ने हैं मैथ में।
यही जो 8 चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर्स तो आपको सभी पढ़ने हैं, उनमें से कुछ टॉपिक रिमूवेड होंगे जो आपको नहीं पढ़ने हैं, मीन्स वो बोर्ड एग्जाम्स में उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यदि पढ़ लेते हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यही मैथ का सिलेबस है टर्म फर्स्ट के लिए, रियल नंबर, पॉलीनोमियल, लीनियर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूवेड है जो कि चैप्टर्स के अंदर पार्ट आते हैं, उनमें से कुछ टॉपिक रिमूवेड है जो आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही है क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए दोस्तों मैं कुछ दिन से केमिस्ट्री का वीडियो भी नहीं बना रहा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही मेरा तबीयत ठीक होता है दोस्तों मैं वीडियो तुरंत बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों आज बहुत ही ज़रूरी था आप सभी को बताना, क्योंकि सिलेबस को लेकर सभी विद्यार्थियों को डर टेंशन कि कौन चैप्टर पढ़े नहीं पढ़े। दोस्तों आज CBSE ने उसका झंझट दूर कर दिया। दोस्तों हमने मैथ में देख लिया, आप सेकंड देख लेते हैं टर्म सेकंड में मैथ से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। जान लीजिए दोस्तों सेकंड में आपको 7 चैप्टर पूछे जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स। ये 7 चैप्टर आपको टर्म सेकंड में पूछे जाएंगे मैथ में। दोस्तों अब हम देख लेते हैं सोशल साइंस का, दोस्तों अब हम सिलेबस देख लेते हैं सोशल साइंस का जो कि टर्म फर्स्ट में पूछे जाएंगे। दोस्तों तो हिस्ट्री से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पूछा जाएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों ये हिस्ट्री का पार्ट है। ज्योग्राफी से दोस्तों 2 चैप्टर पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट में, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। दोस्तों एक और चैप्टर दिया होगा सर्कुलर में जो कि दिया होगा वाटर रिसोर्सेज, जो कि दोस्तों थ्योरी इन पीरियोडिक मींस आपका जो स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें सिर्फ पूछा जाएगा वाटर रिसोर्सेज, और बोर्ड एग्जाम्स में इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैप वर्क रहेंगे दोस्तों। और दोस्तों तो ज्योग्राफी का होगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पूछे जाएंगे। और सिविक्स में दोस्तों 2 चैप्टर पूछे जाएंगे टर्म फर्स्ट में, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। और दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों जो हमने बताया आपको ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज वो सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे, वो अब मैप वर्क उनमें से आएंगे। दोस्तों थोड़ा मैप वर्क देख लेते हैं हम। हाँ तो दोस्तों टर्म फर्स्ट में मैप वर्क के लिए कहा गया है कि आपको डैम्स का नाम याद रख लेना है। दोस्तों आपको डैम्स का नाम याद रखना है और उसका लोकेशन याद रखना है दोस्तों। और एग्रीकल्चर्स में कौन से सॉइल्स किन स्टेट्स में पाए जाते हैं इन सभी का नाम याद रख लेना है दोस्तों। ये मैप वर्क आएंगे टर्म फर्स्ट में, बताया गया है कि इन सभी से मैप वर्क आ सकते हैं। और दोस्तों टर्म सेकंड में बताया गया है कि टर्म सेकंड में आपको किन किन चैप्टर को पढ़ना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में, जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टर्म सेकंड में आपको कहा गया है कि हिस्ट्री से एक चैप्टर पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दोस्तों 3 चैप्टर्स देख रहे होंगे दोस्तों, 2 चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में पढ़ना जो कि स्कूल्स में आएंगे आपके। और वो 2 चैप्टर का नाम क्या है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सिर्फ आपको पीरियोडिक टेस्ट में पूछे जाएंगे टर्म सेकंड में, बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ एक चैप्टर पूछे जाएंगे हिस्ट्री से जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया होगा। और दोस्तों ज्योग्राफी से 3 चैप्टर पूछे जाएंगे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये दोस्तों आपके पूछे जाएंगे टर्म सेकंड में। इसमें भी एक क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों कि आपका जो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ज्योग्राफी का पार्ट वो सिर्फ मैप आइटम्स आएंगे, मीन्स उसमें सिर्फ मैप्स आएंगे और उसका थ्योरी पार्ट पीरियोडिक टेस्ट में आपका पूछा जाएगा। मीन्स आपको ज्योग्राफी में टर्म सेकंड के लिए 2 चैप्टर पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स। और दोस्तों सिविक्स में आपको भी 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक में 2 चैप्टर पढ़ना है टर्म सेकंड के लिए दोस्तों, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों अब हम देख लेते हैं इंग्लिश का, अब हम इंग्लिश का जान लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश का लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं जो भी लिखा हूँ बोर्ड पे वो सिर्फ टर्म फर्स्ट के लिए लिखा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी टर्म फर्स्ट पे मेन फोकस देना है, टर्म सेकंड के बारे में सिर्फ हम बता दिए दोस्तों। जब नवंबर दिसंबर में टर्म फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा तो उसके लिए मैं वीडियो एक बना दूंगा टर्म सेकंड के लिए भी दोस्तों, लेकिन बस अभी बता दिया हूँ कि टर्म सेकंड में ये चैप्टर आएंगे, लेकिन अभी दोस्तों आपको टर्म फर्स्ट पे फोकस करना है। दोस्तों इंग्लिश में बहुत कुछ लिखना है इसलिए दोस्तों इंग्लिश में आप सभी को बता दे रहा हूँ। दोस्तों पहले चलते हैं ग्रामर्स में, तो इंग्लिश ग्रामर्स में आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ने हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पढ़ने हैं, डिटरमाइनर्स पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट पढ़ना है, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस। दोस्तों ये सब पढ़ने हैं आपको टर्म फर्स्ट के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों लिटरेचर में आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डेली ऑफ एन फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट,
द 100 रेसेस सेकंड। ये दोस्तों टर्म फर्स्ट में बताया गया, आपको लिटरेचर से पढ़ना है। और पोएम्स में दोस्तों डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, फायर एंड आइस पढ़ना है, ए टाइगर इन द जू पढ़ना है, द बॉल पोएम पढ़ना है दोस्तों। टर्म फर्स्ट के लिए पोएम्स पढ़ने हैं दोस्तों। और पढ़ना है फॉर फिट विथआउट फिट। दोस्तों जो चैप्टर्स कोई कोई स्कूल में अलग अलग बुक चलते हैं दोस्तों, तो फॉर फिट्स विथआउट फिट्स जो बुक का नाम है उसमें से 3 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। ए ट्रैफिक ऑफ सर्जरी पढ़ना है, द थीप स्टोरी पढ़ना है, और फुट प्रिंट विथआउट फिट पढ़ना है दोस्तों। ये 3 चैप्टर पढ़ने दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा है, लेकिन दोस्तों आप इंग्लिश को इस तरह पढ़िए क्योंकि टर्म फर्स्ट सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है ना कि क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो आप चैप्टर को पढ़िए, उसमें से एमसीक्यू जितना हो सके उतना बनाइए और इसे रिविजन करिए दोस्तों। और पैसेज तो रहेगा ही दोस्तों, उसके लिए भी बताएगा दोस्तों। आप मार्क्स के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि मार्क्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको दोस्तों। तो आपको इंग्लिश ग्रामर से दोस्तों, आपको रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर के आएंगे, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन से 10 नंबर के आएंगे, लिटरेचर से 20 नंबर के आएंगे, 40 नंबर हो गया दोस्तों। और 10 नंबर इंटरनल असाइनमेंट आपको स्कूल देगी दोस्तों। यही कहा गया है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम्स में, कहा गया कि टर्म फर्स्ट में 50 मार्क्स को बोला गया था दोस्तों, तो अब उसको 40 मार्क्स कर दिया, मीन्स 50 मार्क्स है लेकिन 40 मार्क्स का सिर्फ एमसीक्यू होंगे और 10 मार्क्स आपको स्कूल देगी। टर्म सेकेंड में भी यही होगा दोस्तों। दोस्तों अब बात आती है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे दोस्तों, वो सिर्फ हम आपको बता देता हूँ। किसका? तो साइंस का बता दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों साइंस मेरा पार्ट है दोस्तों। तो आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जो केमिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर बताया है, कौन कौन से बताए हैं दोस्तों? तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनमें से 9 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हमने बताया है आपको चैप्टर नाइन्थ का बता देना हूँ दोस्तों, ये मार्क्स का सीट आपको पता है सीबीएसई। हाँ तो दोस्तों अब टेंथ का खुल गया दोस्तों। हमने केमिस्ट्री में 3 चैप्टर बताया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और मेटल एंड नॉन मेटल्स। उनमें से दोस्तों आएंगे आपको 16 नंबर का दोस्तों। 16 नंबर बहुत ही मायने रखते हैं। और दोस्तों हमने जो लाइफ प्रोसेस आपको बताया था बायोलॉजी से, उसमें से आएंगे 10 नंबर का दोस्तों। एक चैप्टर 10 नंबर का वेटेज रखता है, बायोलॉजी का बता रहा हूँ दोस्तों, और केमिस्ट्री में 16 नंबर का। और दोस्तों हमने जो बताया आपको फिजिक्स में चैप्टर नंबर कौन कौन सा, लाइट्स और ह्यूमन आई एंड वंडरफुल वर्ल्ड्स। और दोस्तों एक बताया लाइट्स में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उनमें से भी दोस्तों 14 नंबर का आएगा। सभी को मिला ले तो 40 मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या बताया उसके बाद दोस्तों। हमने बताया आपको SST का देख लेते हैं दोस्तों, सोशल साइंस का देख लेते हैं दोस्तों। मुझे भी याद नहीं है, सर्कुलर देख के ही बता रहा हूँ। क्लास टेंथ, हाँ दोस्तों क्लास टेंथ आ गया दोस्तों। आपको जो टर्म फर्स्ट में हिस्ट्री से एक चैप्टर आ रहा है 10 नंबर का दोस्तों। ज्योग्राफी से कितने चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं, वो भी दोस्तों 10 नंबर का। और पॉलिटिकल से भी 10 नंबर का, और इकोनॉमिक से भी 10 नंबर का दोस्तों। 4 पार्ट है सोशल साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। इन सभी से 10-10 नंबर के आ रहे हैं, मींस सभी बुक 10 नंबर का वेटेज रखता है टर्म फर्स्ट में। इसलिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू की तैयारी कीजिए दोस्तों। और दोस्तों बात आती है कि कौन कौन से कटा है, नहीं कटा है, मीन्स टॉपिक का बात करें दोस्तों। तो आप लिखा गया इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, जिसको जिसको पढ़ना है दोस्तों। आप दिखा देते हैं थोड़ा सा, आप ये देख लीजिए दोस्तों, दिखाई तो नहीं दे रहा होगा दोस्तों, उतना टाइम नहीं कि हम बता पाए दोस्तों। एक हम वीडियो जारी कर देंगे, यदि आप सभी को समझने में दिक्कत हो आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक के साथ आऊँगा, जल्द ही ठीक होकर आप सभी के सामने आऊँगा।